की लिस्ट हम ऑडियंस के बीच कोरियन मूवी इतनी पॉपुलर क्यों है ये बतलाएगी। इनकी मूवी की भाई एक अलग ही क्रेज है, जब भी कोई कोरियन मूवी हिंदी डबिंग के साथ रिलीज होती है तो एक बार देखेंगे जरूर। तो आज की लिस्ट इनमें से बेस्ट आपके लिए सबसे बेहतरीन कोरियन मूवी जिनमें बोनस मूवीज भी होंगी। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 7 की मूवी ये खुफिया स्पाई एजेंट के लोग अपने ही एजेंट तक को नहीं छोड़ते, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, आपके फैमिली को भी नहीं छोड़ा जाता। 2020 की एक्शन ड्रामा के साथ स्पेशल एजेंट। स्टोरी हमारे हीरो नेशनल इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, उनकी बेटी के आड़ में उन्हें एक ऐसा मिशन दिया जाता है जो करना ही नहीं चाहते। आखिर ये मिशन है क्या, क्या हमारे हीरो उसे कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, वो तो भाई आप मूवी में देखो। बस भाई मूवी स्पाई एक्शन पे बेस्ड है तो वो जेम्स बॉन्ड वाली एक्सपेक्टेशन मत लगा लेना, पूरी तरह से डिसअपॉइंट होंगे। कॉन्सेप्ट तो भाई अच्छा था पर उस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। भाई कोरिया से अब हमें हाई क्वालिटी कंटेंट की एक्सपेक्टेशन बिल्ट हो चुकी है, एवरेज मूवी अब हमें पसंद नहीं। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम और कोरियन मूवी को देखना चाहते हैं तो एक ट्राई दे सकते हैं, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी कोरियन नहीं भाई जैपनीज है, पर इसके फैंटेसी दुनिया कमाल की है, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया एडवेंचर फैंटेसी ड्रामा के साथ वंस अपॉन अ क्राउन। स्टोरी फोकस करती है लिटिल रेड राइडिंग हुड नामक एक लड़की पर, जो निकली एक मैजिकल एडवेंचर सफर पर, जहां वो दो जादूगर चुड़ैलों से मिलती है। कैसे इस सफर में वो एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती है, यही मूवी आपको दिखलाती है। मूवी की सबसे खास बात लगी भाई इनकी फैंटेसी दुनिया, इनके बीच की वो मर्डर मिस्ट्री जिस तरह से उसे सॉल्व करती है, आपको लास्ट तक प्रिडिक्ट नहीं करने देती कि आखिर कातिल कौन है, और जब पता चलता है तो भाई आपको यकीन नहीं होता क्या सच में ये मर्डर कर सकती है। बस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा लेना, मूवी में वो कैरेक्टर के बीच इमोशंस देखने को नहीं मिलती जिसके वजह से कनेक्ट नहीं हो पाते। एक स्वीट एंड सिंपल टाइप मूवी देखना चाहते हैं तो एक ट्राई जरूर दीजिए, मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी भाई माफिया गैंगस्टर वाली हो, ऊपर से फीमेल बैड एस हो, तो भाई मूवी देखने में मजा बहुत आता है। हम बात करें 2001 से 2006 तक टोटल 3 मूवी का कलेक्शन एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ माई वाइफ इज अ गैंगस्टर। स्टोरी भाई मूवी के नाम में ही छिपी है, ऐसी बैड एस एक्शन के साथ रोमांटिक स्टोरी देखने को मिल जाना तो भाई मजा ही आ जाता है। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है, जरूर देखिए। नंबर 5 की कोरियन मूवी हम इंसानों के बीच इंसानियत है भाई, बेबस और लाचार लोगों का मदद करना, और बात लड़की की हो तो वो हीरो बनने वाली स्वैग ही कुछ अलग होती है। ये नंबर 5 की सीरीज आपको फील करा सकती है 2020 की क्राइम ड्रामा के साथ बॉडीगार्ड्स। भाई नाम से ही पता चलता है स्टोरी हमारे हीरो जो लोन सेटलमेंट वसूली का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे लीड एक्ट्रेस उन्हीं के कंपनी के कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं। कैसे हमारे हीरो उन्हें बचाते हैं एक बॉडीगार्ड की तरह, वो भाई आप मूवी में देखो। कोरिया के डाई हार्ड फैन है तो एक ट्राई तो देनी ही चाहिए, बस भाई वो कोरिया की हाई एक्सपेक्टेशन लेकर मत देखना, कैरेक्टर से आप उस लेवल पे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। आप कोरियन मूवी बना रहे और कैरेक्टर में इमोशंस नहीं तो भाई उस लेवल का मजा नहीं। बिना ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन लिए एक ट्राई दे सकते हैं, मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी भाई जॉम्बी सर्वाइवल पे बेस्ड मूवी देखना किसे पसंद नहीं, ऊपर से कोरिया की तरफ से हो तो एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है हर एक जॉम्बी फैंस के लिए, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की एक्शन कॉमेडी जॉम्बी सर्वाइवल के साथ जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। भाई आप अपने काम से ही परेशान हो, एक दिन एकदम से आप उठते हो और पूरे शहर के लोग जॉम्बी बन चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं। मूवी में आपको यही देखना है कि कैसे ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में खुद को सरवाइव करते हैं। ऐसी सिचुएशन में भाई घर से बाहर निकलना कोई खतरे से खाली नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जरूरतों के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। भाई मूवी की स्टोरी में दम होता और कैरेक्टर से थोड़ा कनेक्ट कराते तो बेस्ट होता, पर कुछ नहीं, जॉम्बी सर्वाइवल फैंस के लिए वन टाइम मस्ट वॉच रहेगी, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी अगर आपने इंडियन मूवी चक दे इंडिया और थालापति विजय की विगिल देखी होगी और आपको स्पोर्ट ड्रामा देखना पसंद है तो ये कोरियन मूवी आपके लिए कोई इंस्पिरेशन से कम नहीं, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया स्पोर्ट ड्रामा के साथ ड्रीम। भाई एक ऐसी फुटबॉल टीम जिसे फुटबॉल का एफ तक पता नहीं, जिनके टीम बच्चों से हार जाते हैं, भाई वो होमलेस वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इनके लिए इतना आसान होगा? नहीं भाई, आगे की स्टोरी आप मूवी में एक्सपीरियंस करो, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी अब हमें एक्शन चाहिए तो भाई जॉन विक लेवल की, वरना एक्शन मूवी में मजा नहीं।
भले ही क्यों ना एक ही सीन हो पर हो, ये मूवी आपको वो थोड़ी सी ही क्यों ना पर वो जॉन विक वाली वेव फील जरूर कराएगी। हम बात करें जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की एक्शन ड्रामा थ्रिलर के साथ बैलेरिना। आपके बेस्ट फ्रेंड सुसाइड कर ले जिसके पीछे छिपी है भाई कुछ घिनौनी बात। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर किया। तब एक दोस्त इसके पीछे की सच्चाई पता करने निकलते हैं। उसके बाद से भाई जो इनके बीच एक्शन सीन देखने को मिलती है ना एकदम तबाही टाइप। और हम सभी जानते हैं कोरिया रिवेन सबसे खतरनाक लेता है, इसके एक्शन सीन खतरनाक तबाही वाला फील जरूर कराएगी। मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी भाई जब जब प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है तब तब नेचर ने अपना कहर बरसाया है। ये नंबर 2 की मूवी आपको थोड़ी सी झलक दिखलाएगी 2009 की एक्शन ड्रामा थ्रिलर के साथ टिडल वेव। सुनामी का एक ऐसा कहर 10 मिनट में पूरे शहर तबाह होने वाला है। कैसे वहाँ के लोग सरवाइव करते हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डूब गई, कई लोग मारे गए, कई लोग के घर उजड़ गए, और ये सब 2004 में इंडियन ओशियन में अर्थक्वेक आने की वजह से आई सुनामी की वजह से हुआ था। जिस तरह से हमें वो क्लाइमेक्स में सुनामी का कहर दिखलाया भाई खतरनाक है। और जब नेचर की सटकती है तो भाई आप सोच भी नहीं सकते कितनी तबाही होती है। मूवी को जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बस इसके थोड़ी हिंदी डबिंग कहीं कहीं पे डिस्टर्ब करती है, बाकी आप मूवी को फ्री में एमएक्स प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी भाई खतरनाक। यार कोई इस लेवल पे हैवान कैसे हो सकता है, आप हमारे फैमिली पे आंख उठाकर देखोगे तो तड़पा कर मारेंगे। और गजब का भाई जितनी भी तारीफ करे इनके कैरेक्टर की एक्टिंग का उतना कम होगा। खासकर एक गूंगी माँ और उनकी बेटी की इमोशंस यार सीधा दिल पर जाकर लगते हैं। इस बीच भाई एक भाई अपने बहन को ढूंढने निकलता है। हम बात करें कोरिया की तरफ से क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ मिडनाइट। सीधा आप इस मूवी को देखो, स्टार्टिंग से भाई पूरी मूवी में आपकी धड़कनें तेज रहने वाली है। मूवी में इस लेवल की इंटेंस डेवलप किया है भाई, जरूर देखिए। मूवी प्राइम वीडियो पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी कोरिया में स्पाइस एंड पे मूवी कम ही बनी है, पर जितनी भी बनी है भाई टॉप लेवल की बनी है। अपने देश के प्रति कुछ भी कर गुजरने वाली वो एटीट्यूड भाई गजब की होती है, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया साउथ कोरियन स्पाई एक्शन के साथ पैन पर। स्टोरी भाई 1993 में कोरिया में जापानियों का राज था, जहाँ एक ऐसा फैंटम नामक खुफिया ग्रुप जो कोरिया की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ जापानीज गवर्नमेंट 5 ऐसे लोगों को पकड़ लेती है जिन पर शक होता है कि वो लोग कोरियन जासूस हैं। क्या सच में वो फैंटम के लोग है या नहीं, तो कैसे उन जापानियों के कैद से निकलते हैं, यही मूवी में आपको देखना है। मूवी की स्टोरी लाइन के साथ भाई इसकी स्क्रीन प्ले एकदम टॉप क्लास लेवल की है। ऊपर से इनके फीमेल बैड एस एक्शन सीन भाई देखकर मजा ही आ जाता है। इस तरह की स्पाई टाइप मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली अभी जाकर इस मूवी को आप देखिए, एक पल के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।